आज भोपाल में भोपाल पुलिस ने फर्जी आईपीएस अफसर की किया गिरफ्तार। आईपीएस ने खुद को सीबीआई का अंडरकवर एजेंट बताकर भोपाल की एक लड़की और उसके परिवार को भरोसे में ले लिया और फिर लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए। यही नहीं, आरोपी ने लड़की के घर वालों से 2 लाख रुपए भी हेठ लिए। पीड़िता और उसके परिवार को शक ना हो इसके लिए आरोपी ने सीबीआई की सील, आईपीएस की वर्दी और कुछ ऐसे ऑर्डर अपने पास रखे थे जिन पर जजमेंट आ चुका था। आरोपी इतना शातिर था कि सीबीआई के ऑर्डर पर अपने नाम की सील लगा रखी थी। वो इन दस्तावेजों से बताने की कोशिश कर रहा था कि उसने ऐसे कई केसों को इन्वेस्टिगेट किया है। पीड़िता के मुताबिक अक्टूबर में शादी.com पर दोनों का परिचय हुआ। इसके बाद पीड़िता के पिता ने आरोपी से बात की। लड़की से मिलने आरोपी भोपाल आया और एक बड़े होटल में रुका। इस दौरान आरोपी ने होटल के कमरे में लड़की से मौखिक निकाह किया और शारीरिक संबंध बनाए। कुछ दिनों बाद आरोपी हैदराबाद में ट्रेनिंग का हवाला देकर भोपाल से चला गया। जब पीड़िता के पिता ने परिवार से मिलवाने को कहा तो फिर आरोपी समीर खान भोपाल आ गया, लेकिन पीड़ित परिवार को उस पर शक हुआ। पीड़ित ने अशोका गार्डन पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने फेक अंडरकवर एजेंट को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपी के पास से आईपीएस का बिल्ला लगी हुई वर्दी, सीबीआई के फर्जी सीलें और कुछ सीबीआई के फैसलों के दस्तावेज भी मिले हैं। पुलिस ने आरोपी पर ठगी और बलात्कार की धाराओं में केस दर्ज किया है। वहीं अब रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ की जा रही है। पुलिस की आशंका है कि आरोपी ने कई और लड़कियों को फेक आईपीएस बनकर ठगा होगा। भोपाल से अब्दुल रहमान की रिपोर्ट।